हेलो गाइस, आज आपका फिर एक बार स्वागत है मेरे स्मार्ट विश चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। मैंने फिर से आपको जो बोला था कि इन्फिनिटी का जो मैं छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर है बाय हारमन, जो यहाँ पे बताया गया है, जो काफ़ी अच्छी यानी टॉप मोस्ट कंपनी है, इस इन्होंने ये इन्फिनिटी करके लॉन्च किया है। तो ये फ्यूज़ पिंट करके छोटा सा मॉडल है, पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है। डीप बास ड्यूअल ईक्यू सॉल्यूशन बताया गया है। 5 आवर्स की बैटरी दिखाई जा रही है यहाँ पे, और छोटा सा है, और माइक्रोफोन भी है इनबिल्ट। ठीक है, तो बाकी तो यहाँ बताने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि इसको ज़्यादा स्विचेस वगैरह है नहीं। एमआरपी दिखाया है 2000 तक, मुझे मिल गया है ये 750 तक, क्योंकि शायद इनकी ये लॉन्चिंग प्राइस है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं, इस स्पीकर में ज़्यादा है नहीं बताने लायक, छोटा सा है। ये देख पा रहे होंगे अब, एकदम छोटा सा है। और यहाँ पे हमेशा की तरह इन्होंने चार्जिंग केबल दी है, मैनुअल दिया है, तो ये देखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है अपने को। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि इतना सा है ये, बहुत ही छोटा है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका साइज़ एक बार, मगर क्वालिटी इन्होंने सभी इसमें बहुत अच्छी मेंटेन की है। देखिए, ये मेरा पाम है और इस पाम में ये इतना सा है। ठीक है, तो इसको चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे दे दिया गया है, बाकी तो कुछ है नहीं। लेस लगाने के लिए यहाँ पे दिया है सपोर्ट के लिए, और यहाँ पे पावर ऑन ऑफ के लिए है। देखिए, इस तरीके से होते हैं, तो ये कनेक्टेड हो जाता है जल्दी से। ठीक है, तो हम एक सॉन्ग सुन लेते हैं, इसमें ज़्यादा स्विचेस तो है नहीं है, हम एक सॉन्ग सुन लेते हैं जल्दी से इस पे। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है गाइज, ये इसी पे एक रिकॉर्डिंग है, इससे काफ़ी अच्छा है। ये छोटा सा है मगर बहुत अच्छा है, आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बाय हारमन है। देखिए, इस तरीके से इन्फिनिटी फ्यूज़ पिन करके आ रहा है, तो ये कनेक्ट हो चुका है। हम जल्दी से एक साउंड टेस्ट कर लेते हैं। इसके साइज़ पे मत जाइए, इसका साउंड काफ़ी बड़ा है और काफ़ी लाउड है, और एक रूम के लिए काफ़ी सफिशियंट है। जिनको ज़्यादा बेस नहीं चाहिए, जिनको थोड़ा क्लियर वोकल चाहिए, उनके लिए ही है। और जो क्लियरिटी है, जो बाय हारमन, जो मैंने पहले भी एक हारमन गार्डन का व्यू दिया था, उसमें भी मैंने यही बोला था, जो क्लियर साउंड है आपके, जो क्लियर साउंड के दीवाने हैं उन्हीं के लिए ये ब्रांड है। और काफ़ी बेस भी काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है, मगर वो सभी एक तरीके से बैलेंस किया है उन्होंने। ठीक है, तो हम जल्दी से एक हमेशा की तरह एक सॉन्ग सुन लेते हैं। देखिए, आपने सॉन्ग सुना, काफ़ी अच्छी क्लियरिटी है, और जो अगर आप मूवी भी देख रहे होंगे मोबाइल के लिए, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो आप आंखें मूंद करके ये ब्रांड ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्राइस रेंज भी काफ़ी अच्छा है बाय हारमन होके भी, इसके कॉम्पिटिटर से तो ये अच्छा ही है। मैंने एक शाओमी का भी दिया था, वो भी काफ़ी अच्छा, मगर उससे ज़्यादा ये मुझे अच्छा लगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन होंगे तो पूछिए गाइज, मैं आपके आंसर दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।